नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं बहुत हैरान हूं कि दुनिया की तीन निहत्थी निडर और निर्भेद औरतों ने मिलकर भारत की संप्रभुता की जड़ें हिला डाली हैं। बाबा इकबाल ने तो हमको बताया था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये तो 2 फरवरी 2021 को पता चला कि तीन लड़कियों के फूंक मार देने से हमारी हस्ती हवा हो जाती है। 18 बरस की ग्रेटा थनबर्ग, 32 साल की रिहाना और 36 साल की मीना हैरिस के मात्र एक एक ट्वीट से बाबर को सबक सिखा देने वाली कौम पत्ते की तरह लहरा उठी। दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रंप के पोस्टर को केक खिलाने वाला ब्रिगेड रातों रात तूफानी हो उठा। अंतरिक्ष वाली कल्पना चावला, गूगल यूट्यूब वाले सुंदर पिचई और पेप्सी वाली इंदिरा नुई को भारतीय मानकर न्यौछावर हो जाने वालों का ईमान बदल गया। जो लोग कल तक कमला हैरिस की मम्मी के इंडियन होने पर ऐसे मगन हो रहे थे जैसे स्मृति जुबिन ईरानी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो गई हूं, वो उनकी बहन बेटी मीना हैरिस की वल्दियत की बखिया उधेड़ने लगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि जब आप किसी भांड को कलाकार समझने लगते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी भांड को भगवान समझने लगते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी भांड को नायक समझने लगते हैं तो क्या होता है। वही होता है जो आज सचिन तेंदुलकर का हो गया है, जो आज रवि शास्त्री का हो गया है, जो आज लता मंगेशकर का हो गया है, जो आज अजय देवगन सिंघम का हो गया है, जो आज शिखर धवन का हो गया है, जो आज सुनील शेट्टी का हो गया है, या जो आज शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जैसों का हो गया है। भारत की नागरिकता को जूते के तल्ले के नीचे मसल देने वाले अक्षय कुमार भारत में भारतीयता के सबसे बड़े प्रोफेसर हो गए हैं। कनाडाई कुमार ऐसे ही हैं। मैं जानबूझकर कंगना रनौत का नाम नहीं ले रहा हूं, वह जिस तरह की बातें कर रही हैं वैसी बातें मानसिक तौर पर विक्षिप्त आदमी ही कर सकता है। ये लोग बता रहे हैं कि इस देश के किसानों, इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के धरती पुत्रों के लिए उठाई जाने वाली आवाजें आतंकवादी आवाजें हैं और उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। कायरों की मंडली ने तीन औरतों पर हमला बोल दिया है, बहुत बुरी तरीके से, पूरी बेशर्मी से। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी विख्यात किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि रजवाड़ों की गौरव गाथा का बखान करने के लिए चारण और भाट रखे जाते थे। उनकी जगह दरबार में बहुत खास होती थी। उनका काम होता था कि जब राजा का मूड अच्छा न हो तो वो उनकी शान में कविताएं सुनाए, उनकी स्तुति करे, उनकी वंदना करे। राज्य में सूखा पड़ता रहता था, चारण भाट गीत लिखते थे, चारों तरफ हरियाली है महाराज। राज्य में फसलें मारी जाती थीं, चारण भाट गीत लिखते थे, गोदाम लबालब है महाराज। धीरे धीरे राजा अपनी वंदना में इस कदर मगन हो जाता था कि वह जनता से पूरी तरह कट जाता था। चारण भाट उन्हें बाहर न देखने देते थे, न बाहर वालों की सुनने देते थे। त्रेता युग में भांडों का बखान मिलता है। भांड अलग अलग स्वांग यानी भेष धर के राजा के सामने आते थे, राजा को खुश करने की कोशिश करते थे। राजा खुश हो जाता था तो अशर्फियां लुटाता था। आपको लग रहा होगा कि मैं चारण भाट और भांडों का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि आप अजय देवगन को सिंघम मानकर बैठे थे जबकि वो तो भांड है। आप अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन उर्फ विजय खन्ना माने बैठे थे जबकि वो तो भांड है। आप शाहरुख खान को वीर प्रताप सिंह समझ बैठे थे जो लाहौर की जारा हयात खान की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाता है जबकि वो भांड है। क्रिकेट में कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ देने वाले सचिन तेंदुलकर को इस देश के किसानों और नौजवानों ने भगवान बना दिया, लेकिन वो कभी भी एक भांड से आगे सोच ही नहीं पाए। लता मंगेशकर की गायकी का पूरा सम्मान है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र, इस देश के सामाजिक ताने बाने, इस देश की विविधता, इस देश की बहुलता के लिए वास्तविक अर्थों में उनकी मौजूदगी एक भांड से ज्यादा नहीं है। आपको बुरा लग रहा होगा,
कि मैं अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, अजय देवगन को, लता मंगेशकर को, शिखर धवन को, सुरेश रैना जैसे लोगों को भांड कह रहा हूं, चारण कह रहा हूं, भाट कह रहा हूं, दरबारी कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कलाकार और भांड में फर्क होता है। भांड भाड़े पर कोई भी भूमिका निभा सकता है, उसका एक ही मकसद होता है, पैसा लेकर राजा को खुश रखना। कलाकार ऐसा नहीं करते। इसलिए 170 किसानों की मौत पर अपनी अपनी हवेलियों में बंद रहने वालों का कलेजा नहीं फटता। हजारों हजार किसानों का पानी और बिजली काट दिए जाने पर सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन को अपनी भारतीयता आहत होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि वो भांड है। लता मंगेशकर को शर्म नहीं आती जब सैकड़ों औरतें नित्य क्रिया के लिए बिना पानी के बंदोबस्त के अपने हाल पर छोड़ दी जाती हैं। कोई शर्म नहीं आती सैनिटरी नैपकिन के इश्तिहारी फिल्म बनाने वाले अक्षय कुमार को जब सरकार पूरी निर्लज्जता से महिलाओं को गंदगी के ढेर में बैठने पर मजबूर कर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सारे लोग भांड हैं। इनाम इकराम पर नाचने वाले कलाकार नहीं होते, सिर्फ भांड होते हैं। इस बारीक अंतर को समझना इस समय बहुत जरूरी है। कंगना रनौत जैसी औरतें इस देश की ही नहीं, इस सृष्टि की हर औरत के लिए एक गंदी गाली में तब्दील हो चुकी हैं। वरना सब जानते हैं कि जो बात ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस या रिहाना कह रही हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रही हैं। वही कह रही हैं जो इस देश के करोड़ों लोग पहले से कह रहे हैं, 70 दिन से कह रहे हैं। तो इस देश के भांडों को मिर्ची क्यों लगी? इसलिए लगी कि उन्होंने लिख कर कह दिया कि हम भांड नहीं हैं, हम सिर्फ रुपए के लिए काम नहीं करते, हमारी आत्मा की आवाजें बिकाऊ नहीं है। उनकी आवाजों पर इस देश के बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एंकर इसलिए बिलबिला उठे कि उनका भी भांड होना और बेपर्दा हो गया था। बात भांडगिरी के सम्मान पर आ गई थी, इसलिए सारे भांडों ने एक साथ मिलकर इंसानियत पर धावा बोल दिया। स्वच्छ भारत के झंडा बरदारों ने इस देश की किसान औरतों से स्वच्छता का हक छीन लेने की गंदी हरकत पर जुबानें सिल्ली थी। वह खुश हो रहे थे जब किसानों तक अनाज पानी और रसोई गैस पहुंचने के रास्तों में कांटों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। उन्हें लग रहा था कि वह शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छिपाकर बैठ जाएंगे या टिटिहरी की तरह सत्ता की छत से उल्टे लटक जाएंगे तो किसानों पर जुल्म की दास्तानें कहने वाले दुनिया से गुम हो जाएंगे। लेकिन भांडों की बिरादरी गलतफहमी में थी। तीन लड़कियों ने उनका यह गुरूर तोड़ डाला कि सत्य की तस्वीरें उनकी जुबानों की मोहताज हैं। लेकिन भांडों की कहानी का एक और सत्य है जो वो भांड नहीं जानते। भांड राजा को अपनी तारीफों का कैदी बना देते थे, उसकी मति मारी जाती थी, नतीजा प्रजा विद्रोह कर देती थी। चारण, भाट, दरबारी भांड गाते रहते थे, लोग आपकी जय जयकार कर रहे महाराज। इसके बाद की कहानी इतिहास की हर सत्ता के पतन की कहानी है। कहने का मतलब केवल इतना है कि भांड को भांड कहिए, भांड न कलाकार होते हैं और न भगवान। जो अच्छा इंसान तक न बन सके वो भगवान कैसे हो सकता है? इस भांडगिरी की जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन टीवी एंकरों की बुद्धि को बधाई है जो कह रहे थे या कह रही थी कि कमला हैरिस के अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन जाने से भारत को बहुत लाभ होगा। कमला हैरिस मीना हैरिस की मौसी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।